नमस्कार, सिटी सेंटर शो में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गीता जोशी। शुरुआत महाराष्ट्र से, जहां गढ़चिरौली में पुलिस और नक्सलियों के बीच आज बड़ी मुठभेड़ हुई, जिसमें 12 नक्सली मार गिराए गए। कई स्वचलित हथियार भी बरामद हुए हैं। दोपहर में भारी गोलीबारी शुरू हुई और देर शाम तक रुक रुक कर 6 घंटे से अधिक समय तक जारी रही। जिले के पुलिस अधीक्षक नीलोत्पल के मुताबिक इलाके की सर्चिंग में अब तक 12 नक्सलियों के शव बरामद हो चुके हैं। माओवादियों की पहचान और इलाके की सर्चिंग जारी है। C60 के एक PSI और एक जवान को गोली लगी है, लेकिन वो खतरे से बाहर हैं और उन्हें इलाके से निकाल लिया गया है और नागपुर स्थानांतरित कर दिया गया है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी सुनील सिंह जुड़ गए हैं। सुनील, फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है वहां? क्या सर्च ऑपरेशन अब भी जारी है? देखिए, ये जो एनकाउंटर हुआ है वो दिन भर चला है, और चूंकि बारिश बहुत तेज थी और उस बारिश के मौसम में भी जंगल के रास्ते लगभग 5 से 6 नदियों को पार करते हुए जवान वहां तक पहुंचे थे, तो लगभग 6 घंटे तक एनकाउंटर चला था। उसके बाद तलाशी शुरू हुई थी और अब तक जो है कि 12 शव नक्सलियों के बरामद हुए हैं, जिसमें एक बड़ा नाम जिसकी पहचान हो पाई है वो है टीपगढ़ दलम का विशाल अत्रम, जो कि इंचार्ज है। वो है, इनके पास से 7 ऑटोमेटिक राइफल्स बरामद हुई हैं, जिसमें कि 3 जो है AK-47 है, ऑटोमेटिक मशीन गन है। और दरअसल ये सूचना मिली थी सुबह 6 बजे के करीब, सूचना आई थी कि छत्तीसगढ़ बॉर्डर जो है गढ़चिरौली जिले से लगा हुआ है, उसके तकरीबन 1 किलोमीटर अंदर वंडोली गांव है, वहां पर कुछ 12 से 15 नक्सली आए हैं और कुछ योजना बना रहे हैं। दरअसल आज का दिन बहुत अहम इसलिए भी था कि गढ़चिरौली जिले में ही सुरजागढ़ इस्पात के जो कारखाना है उसका भूमि पूजन होना था, और जिले के पालक मंत्री और राज्य के गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस वहीं पर थे। इसी दिन जो सूचना मिली उसके बाद उस सूचना को वर्कआउट करते हुए 7 C60 कमांडो की जो टीम है, जिसमें कि 200 जवान थे, उन्हें रवाना किया गया था DYSP के नेतृत्व में। इस दौरान बारिश थी, काफ़ी मौसम खराब था, लेकिन जवान नदियों को पार करते हुए वहां तक पहुंचे और वहां पर जाके जब एनकाउंटर शुरू हुआ, यानी कि मुठभेड़ शुरू हुई, तब उसमें तकरीबन 6 घंटे तक लगातार एक मुठभेड़ चलती रही, जिसमें बाद में जब सर्च ऑपरेशन शुरू किया तब शाम तक 12 नक्सलियों के शव बरामद किए जा चुके थे। 7 ऑटोमेटिक मशीन गन बरामद की गई हैं, जिसमें कि 3 AK-47 है, इंसास राइफल है और ढेर सारे गोला बारूद भी बरामद हुआ बताया जा रहा है। तो ये बड़ी सफलता मिली है कई सालों के बाद। इसके पहले साल 2021 में नवंबर में इसी तरह का एक मुठभेड़ हुई थी, जिसमें 26 माओवादी मारे गए थे, नक्सली मारे गए थे। इस बार जो है कि वैसी सफलता फिलहाल यहाँ पर मिलती दिखाई पड़ रही है, और इससे खुश होकर, क्योंकि इतने बहादुरी का काम किया है जवानों ने, इसमें हालांकि 2 जवान खाया, 1 PSI और 1 जवान जो है CCTV कमांडो का घायल भी हो गया, उन्हें उस खराब मौसम में ही किसी तरह से बाहर निकाला गया, फिर हेलीकॉप्टर से उन्हें अस्पताल तक पहुंचाया गया जहां पर वो खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। तो गृहमंत्री ने 51 लाख रुपये के इनाम की घोषणा की है, क्योंकि इसने बहादुरी भरा काम, जाबाजी का काम जो है कि CCTV कमांडो के जवानों ने किया है, उसको देखते हुए एक बड़ी सफलता मिली है, खास करके नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई में गढ़चिरौली में। जी सुनील, इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक बड़ी सफलता, महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में पुलिस और नक्सलियों के बीच बड़ी मुठभेड़ हुई है, जिसमें 12 नक्सली मार गिराए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। ट्रेनी IAS अफसर पूजा खेडकर जब से विवादों में आई है, तब से लगातार उन पर तमाम तरह के फर्जीवाड़ों के आरोप लग रहे हैं। पूजा के OBC के प्रमाण पत्र के बाद अब दिव्यांगता के प्रमाण पत्र पर भी सवाल उठे हैं, खासकर पिंपरी चिंचवाड़ के यशवंत राव चौहान समिति अस्पताल से मिले प्रमाण पत्र पर पता चला है कि लोकोमोटर डिसेबिलिटी के प्रमाण पत्र के लिए पूजा ने घर का जो पता दिया है वो कोई घर का नहीं है, बल्कि एक फैक्ट्री का है। अपने तौर तरीकों से विवादों में आई ट्रेनी IAS अफसर पूजा खेड़कर के एक और प्रमाण पत्र पर सवाल उठा है। नया विवाद पिंपरी चिंचवड़ के यशवंत राव चौहान स्मृति अस्पताल से मिले दिव्यांग सर्टिफिकेट का है, जिसमें पूजा को 7% दिव्यांग बताया गया है। हमारा जो ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट है उनके तरफ से ये जाँच होती है, और वो डिटेल्ड एनालिसिस के बाद जो भी उनको फाइंडिंग्स है वो वेबसाइट के फिल करने के बाद अपने आप वो परसेंटेज निकल के आता है। परसेंटेज कोई
खुद होके वहां पे कैलकुलेट नहीं करना पड़ता। प्रमाण पत्र के मुताबिक पूजा खेड़कर को 7% लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, जिसमें बोन्स जॉइंट्स मसल्स उसमें इतना कुछ प्रॉब्लम हुए कि आपके लिंब मूवमेंट को, हाथों को पैरों को मूवमेंट को सिग्निफिकेंटली अगर रेस्ट्रिक्शन होता है तो दैट इज कॉल्ड लोकोमोटर डिसेबिलिटी। पता चला है कि पूजा खेड़कर ने लोकोमोटर डिसेबिलिटी प्रमाण पत्र के लिए अपना जो पता दिया था वहाँ घर नहीं बल्कि फैक्ट्री है। इतना ही नहीं, दिव्यांग प्रमाण पत्र के लिए आधार कार्ड होना जरूरी है, लेकिन पूजा ने अर्जी में राशन कार्ड लगाया था। इसके अलावा उन्होंने उसमें अपनी आमदनी सालाना 5 लाख रुपए दिखाई है। उनके दिव्यांग कार्ड में 7% दिव्यांग दिखाया गया है, जबकि किसी भी सरकारी लाभ के लिए 40% की विकलांगता जरूरी है, यानी किसी सरकारी योजना में ये प्रमाण पत्र काम नहीं आया होगा। लेकिन दिव्यांग आयुक्त ने अब इसकी जांच के लिए पुणे पुलिस आयुक्त को पत्र लिखा है। हमने पुलिस कमिश्नर पुणे सिटी इनको इस बारे में पूरी जांच करने के लिए हमने लिखा है, और वो जांच जल्द से जल्द करके हमें उसका रिपोर्ट मिले, इसके लिए हमने उन्हें लिखा है। जो हमारा अधिनियम है, दिव्यांग कल्याण हक अधिनियम 2016, उसके तहत उसकी जांच करने के लिए हमने उन्हें लिखा है। उसकी जांच की रिपोर्ट आते ही हम वो गवर्नमेंट को वो भेज देंगे। मुंबई में दिव्यांग एनजीओ पहचान चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष प्रकाश नाडार का कहना है कि दिव्यांग सर्टिफिकेट के लिए फर्जीवाड़े का यह कोई पहला केस नहीं है, ये बड़े पैमाने पर हो रहा है और इससे असली दावेदारों के हक मारे जा रहे हैं। ऐसे हजारों लाखों इशू है सर। एक्चुअली क्या है, बहुत सारे कंप्लेंट नहीं हो पाते हैं, क्योंकि क्या है, वो मामूली एक डिसेबल पेपर बनाया करके उसको छोड़ दिया, मगर एक डिसेबल का हक मारा जाता है वो किसी को नहीं देखा जाता है। क्योंकि 2016 के सर जो हमारा जो एक्ट है उसके क्लियर लिखा है कि हमारा हक कोई मार नहीं सकता है, मगर फिर भी लोग हमारे हक का मिसयूज कर रहे हैं। तो ये गवर्नमेंट को गंभीर से सोचना चाहिए कि हम इस इशू को कैसे हैंडल करना चाहिए, और तुरंत जो भी कोई भी डिपार्टमेंट में सब जगह रीवेरीफाई होना चाहिए। अगर रीवेरीफिकेशन नहीं हुआ तो आगे भी चलते रहेगा, क्योंकि ये तो एक एग्जाम्पल है कि IAS ऑफिसर तक अगर आप डॉक्यूमेंट मिसयूज कर सकते तो नीचे लेवल पे कहाँ आप चेक करते बैठेंगे। पूजा खेड़कर के साथ अब उसके माता पिता भी विवादों में घिर गए हैं। एक तरफ जहां जमीन विवाद में किसान को धमकाने के मामले में दोनों पुलिस से बचते फिर रहे हैं, वहीं पूजा के पिता दिलीप खेड़कर के खिलाफ अब एंटी करप्शन ब्यूरो ने भी जांच शुरू कर दी है। मुंबई से कैमरामैन संजय मंडल से सुनील सिंह, NTV इंडिया के लिए। वहीं एयर इंडिया ने लोडर और हैंडीमैन की 2500 भर्तियां निकाली है। इंटरव्यू देने पहुंच गए 25,000 आवेदक और बन गई भगदड़ जैसी स्थिति। देखिए सुजाता द्विवेदी की रिपोर्ट। राजस्थान के अलवर से आए रामबाबू ने कॉमर्स में पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है। बेरोजगार होने के चलते अपने गांव से मुंबई आए हैं। लोडर का काम करने को तैयार है, लेकिन ये नौकरी भी इन्हें अब नहीं मिल रही। देखते हैं कि अगर इंटरव्यू वगैरह सही हो गया, जॉब मिल जाती है तो कर लेंगे। बेरोजगारी तो ज्यादा ही है ही, इसलिए जो मिल जाए। जो पढ़ाई क्या की हुई है? मैंने M.Com कर रखी है। आप मास्टर्स किए हुए हैं? जी। और आप यहाँ पर लोडर के पद की नियुक्ति के लिए आए? जी जी। राजस्थान से? जी। बुलढाणा से आए प्रथमेश निम्बालकर BBA डिग्री के छात्र हैं। परिवार में आर्थिक तंगी के चलते पिछले 3 दिन से मुंबई में बिना कुछ खाए पिए एयर इंडिया दफ्तर के बाहर आस लगाए बैठे हैं कि लोडर की नौकरी के लिए इनका चयन हो जाएगा, लेकिन उन्हें रिस्पांस कुछ नहीं मिला। क्या बोला गया था आपको जॉब के बारे में, पता कैसे चला? ऑनलाइन ही पता चला। ऑनलाइन? तो किन किन कागजात के साथ आए थे, और कल का स्टेटस जो था वो भीड़ में आप भी थे? यस मैम, मैं भी था भीड़ में, और रात से था, रात के 8 बजे से उधर ही था बैठा हुआ। तो सभी लोग ऑनलाइन ही? ऑनलाइन ही सबको मालूम पड़ा है। अच्छा, और आपको अब जब भीड़ यहाँ से हट चुकी है काफी ज्यादा, कुछ लोग अभी भी बैठे हुए हैं, आपको क्या बोला गया है, कब तक आपको रिवर्ट देंगे कि आप अब तक रुके हैं? अभी हम लोगों को टाइमिंग दिया है, टोकन नंबर दिया है। कई ऐसे भी आवेदक हैं जिन्हें टोकन देकर भी रिजेक्ट कर दिया गया। यह आवेदक बेरोजगारी से परेशान और हताश है। आपको छाट दिया गया, आपको आपका चयन नहीं होगा? नहीं, 29 साल बोल रहे हैं। 29 साल? अच्छा, और आप अपने पढ़ाई क्या किए, कहाँ से आए? इंटर तक, UP से। सिर्फ इस नौकरी के लिए आए? और अब छाट दिए गए तो अब क्या करेंगे आगे? अभी क्या करेंगे, घर पे जाएंगे। मैं 4 बार आके गया हूँ इधर, 4 बार, और रात भर इधर ही हम लोग बैठ के पे, तो भी ना बोल रहे मैडम लोग, बोलते जाओ घर पे जाओ बोलते। मैंने इधर काम किया हूँ 3 साल एयरपोर्ट में, फिर भी मना ना बोल रहे। लावेल में मैं काम किया हूँ,
तो भी ना बोल रहे। लेकिन ये बताइए कि आपको ये जॉब इतना ज़रूरी क्यों है, आप कहीं दूसरे सेक्टर में भी ट्राई कर सकते हैं? मेरा डैडी नहीं है, मेरा माँ भी नहीं है, कोई नहीं है, मेरे खाली कौन है, मेरा फैमिली है, छोटा सा फैमिली है मेरा। मैं इसके लिए जॉब के लिए आया था, मेरा को जॉब नहीं मिला था, इसके लिए मैं इधर इंटरव्यू के लिए आया था, तो मेरे को तो भी ना बोल रहे। एविएशन विशेषज्ञों का कहना है कि ये प्रक्रिया कुछ बेहतर हो सकती थी। हर मर्जर में एक मॉरेटोरियम पीरियड होता है कि नॉर्मली 1-1.5 साल या 2 साल, डिपेंडिंग अपॉन द अग्रीमेंट कि कितने साल तक जो है जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय हैं उनको रिप्लेस नहीं किया जाएगा, और उसके बाद जो न्यू ऑनर है उसके पास चॉइस रहती है कि बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस किनको रिटेन करना है, किसको रिटेन नहीं करना है। तो उस प्रोसेस में आई थिंक ये चर्निंग हो रही है, बिकॉज एयर इंडिया और इंडिया एक्सप्रेस एंड विसारा ये सब मर्जिंग में जा रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि वो एक रीज़न है। पर जिस तरह की पिक्चर्स आ रही हैं वो बहुत ही हॉरिफाइंग है, और मैं समझता हूँ कि एयर इंडिया एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन होने के से इसको थोड़ा सा प्रोफेशनली एंड कंट्रोल्ड वे में इसको ऑर्गेनाइज नहीं किया गया है, और जिस तरीके से एप्लीकेशन कलेक्ट की जा रही है मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई कुछ रिकॉर्ड है या कुछ स्क्रीनिंग होने वाली, कुछ शॉर्टलिस्टिंग हुई है। तो आई थिंक मुझे तो एक फील लगा जैसे कि जनरली हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं स्टेट गवर्नमेंट की जो भर्ती होती हैं, उस तरह का एक सिनेरियो मुझे लगा। विपक्ष ने युवाओं में नौकरी न मिलने की इस घटनाक्रम के बाद 8 करोड़ नौकरियों को लेकर हिसाब मांगा है। एयर इंडिया के 600 पदों के लिए करीब करीब 25,000 से ज्यादा बेरोजगार नौजवान वहां लाइन लगाकर भीड़ और भगदड़ जैसी हालात कर दिए। इसका मतलब साफ है कि हमारे देश में नौकरियां नहीं है, जॉब्स नहीं है, और नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि पिछले 4 वर्षों में हमने 8 करोड़ से ज्यादा लोगों को नौकरियां दी हैं। कहां गई वो नौकरियां? वो नौकरियां आपने इंसानों को दी हैं कि भूतों को दी हैं? या तो आप मानिए कि हमारे देश में नौकरियां नहीं हैं, आप केवल जुमलेबाजी करते हैं, और या तो मानिए कि ये जो नौजवान, ये जो युवक नौकरियों के लिए लाइन में खड़े हैं, ये हमारे देश के हैं ही नहीं। एयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 2500 पदों के लिए 25,000 आवेदकों का आना कहीं ना कहीं देश के विकट बेरोजगारी के स्थिति को दर्शाता है। इसी के साथ युवाओं के असुरक्षित भविष्य को लेकर भी कई सारी समस्याएं अब सामने दिखती पड़ती नजर आ रही है। ऐसे में एक और जहां सरकार, सरकारी क्षेत्र और निजी कंपनियों को ठोस कदम उठाना होगा ताकि हर एक युवा को अपनी योग्यता के अनुसार जॉब मिल सके, वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे योजनाएं लानी होंगी जिसके चलते आगे चलकर युवा कहीं बेरोजगारी के अंधेरे में ना पड़ जाए। मुंबई से कैमरा पर्सन प्रवीण रोहित के साथ सुजाता द्विवेदी, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और अगली खबर महाराष्ट्र की गरमाई राजनीति से जुड़ी हुई। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और एनसीपी अध्यक्ष अजीत पवार को कल 2 झटके लगे। एक चाचा शरद पवार ने दिया जब अजीत के करीबी विधायक उनके पास चले गए, तो दूसरा बीजेपी से जुड़े संघ की पत्रिका में लेख में कहा गया है कि अजीत पवार को साथ लेना लोकसभा चुनाव में बीजेपी को महंगा पड़ा। ये अजीत पवार के लिए बड़ा झटका है। उनके खासम खास अजीत गवाने शरद पवार के साथ चले गए हैं। अजीत गवाने के साथ करीब 20 पूर्व पार्षदों ने भी विधानसभा चुनाव से पहले अजीत पवार का साथ छोड़ दिया। आखिर क्यों? दरअसल पिंपरी चिंचवड़ की विधानसभा सीट फिलहाल बीजेपी के पास है, और गठबंधन में ये सीट अजीत पवार की पार्टी को मिलने के आसार कम हैं। इसी के मद्देनजर अजीत गवाने ने शरद पवार के साथ जाने का फैसला किया है। ऑर्गेनाइजर और विवेक, इन दोनों मुखपत्र में किसकी विचारधारा है वो देखना होगा। अगर वे कहते हैं कि अजीत पवार को महायुति में नहीं लेना चाहिए था, इसका मतलब ये है कि उनके घटकों की विचारधारा में अंतर है। अजीत पवार को घर में जगह है, लेकिन अगर वे पार्टी में आना चाहते हैं तो पार्टी के नेता उसका निर्णय लेंगे। अजीत पवार को दूसरा झटका संघ से जुड़ी एक पत्रिका में छपे लेख ने दिया, जिसमें कहा गया है कि अजीत पवार को साथ लेना लोकसभा चुनाव में बीजेपी को महंगा पड़ गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं से जब सवाल किया जाता है कि लोकसभा चुनाव में पार्टी की हार की वजह क्या है, तो वो अजीत पवार के साथ गठबंधन से ही आरोपों की शुरुआत करते हैं। पत्रिका से जुड़े संघ विचारक का कहना है कि ये विचार लेखक के हैं। किस दल से गठबंधन करना है, किससे नहीं, ये अधिकार पार्टी का है। साप्ताहिक विवेक में जो लेख आया है और उसमें जो विचार रखे गए हैं, वो एक लेखक के विचार है,
वो किसी पार्टी के या संघ के विचार नहीं है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि राष्ट्रवादी कांग्रेस को साथ में लेना या नहीं लेना ये भाजपा का अपना विषय है, उसका नेतृत्व और उसके पदाधिकारी ये उसके ऊपर में निर्णय कर सकते हैं, और उन्होंने अगर वो निर्णय किया है तो उनकी वो राजनीतिक आवश्यकता रही होगी, इसलिए उन्होंने वो किया है। इस लेख पर फिलहाल बीजेपी और एनसीपी से जुड़े प्रवक्ताओं ने चुप्पी साध रखी है, लेकिन शरद पवार की पार्टी की नेता और लोकसभा सांसद सुप्रिया सुले ने इस पर बीजेपी से जवाब मांगा है। ये कहानी बाहर आई थी और उसके बाद भी विवेक में ये कहानी आई है। ये सवाल आपको बीजेपी और आरएसएस से करना चाहिए, ये उनका अंदरूनी मामला है। ये कोई पहली बार नहीं है कि संघ ने अजीत पवार पर निशाना साधा हो। इससे पहले भी लोकसभा चुनाव नतीजे आने के बाद संघ से जुड़ी पत्रिका ऑर्गेनाइजर ने लिखा था कि अजीत पवार को साथ लेने से बीजेपी की ब्रांडिंग को नुकसान हुआ है। अब सवाल यही उठता है कि चंद महीनों बाद होने जा रहे विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी क्या अजीत पवार के साथ अपने रिश्तों पर पुनर्विचार करेगी। रौनक कुकड़े और कैमरामैन संदेश बाइकर के साथ जितेंद्र दीक्षित, एनडीटीवी मुंबई। खुलेआम नकल कराते हुए पकड़े गए शिक्षक, कहां की यह घटना बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। हेलो मोथो, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और अगली खबर राजस्थान से, जहां खुलेआम नकल कराते पकड़े गए शिक्षक। ये तब सामने आया जब शिक्षा विभाग की विजिलेंस टीम अचानक स्कूल में चेकिंग करने पहुंच गई। जोधपुर के देचू में कोलू गांव का ये नजारा। शिक्षा विभाग की विजिलेंस टीम जब राजस्थान ओपन एग्जाम के दौरान पहुंची तो देखा कि स्कूल में खुलेआम नकल हो रही है और नकल करवा रहे हैं खुद टीचर्स। यहाँ गेट पर ताला लगा हुआ था, क्योंकि हमें पहले से शिकायत मिली हुई थी कि यहाँ सामूहिक नकल होती है, तो हम दीवारें फांद करके अंदर आए तो सीएस और शिक्षक सब भागते हुए नजर आए। हमने आकर के देखा तो ब्लैक बोर्ड पर प्रश्न लिखे हुए थे, वो प्रश्न भी हमने नोट किए हैं, साथ ही दो मोबाइल भी बच्चों के छूट गए, वो हमने बरामद किए हैं, दोनों कॉपी हमने बरामद की है। और यहाँ पर सभी शिक्षक सामूहिक नकल करवा रहे थे, साथ ही एक बच्चे के मोबाइल में 2100 रुपये रखे हैं जो कि शिक्षक को देने थे। दूसरे बच्चे ने अभी अपना लिखित में बयान दिया है कि उसने एक दशरथ सिंह नाम के अध्यापक को 2000 रुपये दिए हैं। विजिलेंस टीम के पहुंचते ही अफरा तफरी मच गई। वहां दो डमी कैंडिडेट्स जो परीक्षा दे रहे थे भाग निकले। पुलिस ने साइंस की दो टीचर्स को भी पकड़ा, वो वहां बेवजह घूम रही थी, नकल भी करवा रही थी और खुद डमी भी बैठ रही थी। चीटिंग रोकने के लिए शिक्षा विभाग इनविजिलेटर्स या ऑब्जर्वर भी तैनात करता है, लेकिन यहाँ का ऑब्जर्वर अनुपस्थित पाया गया। जो ऑब्जर्वर लगाया जाता है परीक्षा की निगरानी के लिए, वो 3 दिन से अनुपस्थित है। रजिस्टर में देखने में पाया गया कि वो 12 को भी अनुपस्थित थे, 15 को भी अनुपस्थित थे। लापरवाही है और दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। शिक्षा विभाग ने मामले को गंभीरता से लेते हुए 10 टीचर्स के खिलाफ FIR दर्ज करवाई है। 3 को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है और बाकियों के खिलाफ विभाग की कार्रवाई जारी है। जोधपुर से अरुण हर्ष के साथ हर्षा कुमारी सिंह की रिपोर्ट, NDTV इंडिया के लिए।